Analyzing the spectrum of light they emit, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us. तो हबल ने क्या डिटरमाइन किया, ने क्या पता किया कि जो सभी गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, मूविंग अवे फ्रॉम अस, एंड द फादर अवे दे आर, और जितना वो हमसे दूर है द फास्टर दे आर मूविंग, और उतनी ही जल्दी वो मूव कर रही हैं, उतनी जल्दी वो पीछे जा रही हैं. इन 1929 ही पब्लिश्ड अ लॉ, और 1929 में उसने क्या किया, एक लॉ पब्लिश किया रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन. रेट ऑफ रिसेशन मीन्स वो किस गति से पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं. If that is true, then the universe must have been a smaller in the past. और हबल ने क्या कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बड़ा बड़ा एक्सपैंड होता जा रहा है, मतलब कि फैलता जा रहा है. अगर उसकी बात को हम माने तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए, हमारा यूनिवर्स शुरुआत में बिल्कुल ही छोटा सा होना चाहिए. In fact, if we extrapolate to the distance past, extrapolate मतलब किसी चीज़ के हम पीछे जाकर उस चीज़ को स्केल करें और सोचें, हम पहले डिस्टेंस पास मतलब बहुत दूर जब हम अतीत में जाएंगे तब हम क्या पता करेंगे, दैट ऑल दी मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स वुड हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी टाइनी रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी. और अगर ऐसा है जैसे हबल ने कहा है, तो वैसे अगर हम बहुत पहले अगर इतिहास में जाएंगे, बहुत पहले हम जाएंगे जब आपका यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, तो क्या होगा, सारी एनर्जी और सारा जो मैटर है, सारे जो तत्व हैं, वो क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होंगे, मतलब कि इकट्ठा हुए होंगे, एक्युमुलेट हुए होंगे इन अ वेरी टाइनी रीजन ऑफ अनइमेजिनेबल डेंसिटी. और बहुत बहुत छोटी, जैसे टाइनी पॉइंट होता है आपका, एक डॉट लगाते हैं, उस कॉन्सेंट्रेशन में वो एक्यूमुलेट हुए हुए होंगे, एंड अनइमेजिनेबल डेंसिटी एंड टेम्परेचर. एंड इफ़ यू गो बैक फार इनफ, देर वुड बी अ टाइम वेन ऑल इट बिगैन. और हम जितना हम पीछे जाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत हुई है, जहाँ से हमारा यूनिवर्स बना है, वेन इट ऑल बिगैन. इवन द इवेंट वी कॉल नाउ द बिग बैंग, और उस इवेंट जहाँ से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, जिसके इवेंट के घटने, जिस घटना के घटने के बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएशन में आया, जिस जो बना है उसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग.